स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में फाइनली हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रया। रया का मतलब क्या होता है? रया का मतलब होता है ढोंग, दिखावा। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपने आप को दिखाते हैं, मतलब रियल में कुछ और होते हैं, दिखाते अपने आप को कुछ और है, ढोंग और दिखावा करते हैं। तो अलग अलग टाइप के इंसान के बारे में, उनके सोच, उनके व्यवहार के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है। हम अपनी बुराइयों को कैसे कम कर सकते हैं, सही और गलत की पहचान कैसे करेंगे, ये हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीकी से इस चैप्टर में बताया गया है। तो रया नाम का ये चैप्टर है, याद रखिएगा। और मज़मून है, मतलब रया के ऊपर मज़मून लिखा गया है, ढोंग और दिखावे के ऊपर, कि लोग कैसे कैसे ढोंग करते हैं, कैसे कैसे अपने आप को दिखाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। रया नाम का जो चैप्टर है ये क्या है? मज़मून है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है। और अगर आप लोग ये तो अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लोग 10th क्लास में हैं, आप लोग को एग्ज़ाम देना है, तो आप लोगों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जो लोग मतलब 10th क्लास में नहीं है, वो इसी तरह वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये चैप्टर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। पता है, इसमें बहुत ही ढेर सारी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी, बहुत सारा ज्ञान, मतलब नॉलेज तो ठूस ठूस कर इसमें भरा हुआ है। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर नहीं भी हैं, तो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, रया नाम के इस चैप्टर के जो मुसन्निफ़ हैं, लेखक, वह है सर सैयद अहमद ख़ान। तो थोड़े देर के लिए हम लोग इस चैप्टर को साइड में रख देते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के जो मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान, इनके बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है ना, उन सभी डिटेल्स को समझ लेते हैं। देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी हाँ, अलीगढ़ की तहरीक आप बोल सकते हैं, आंदोलन सर सैयद अहमद ख़ान के द्वारा ही, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। सर सैयद अहमद ख़ान जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किए, और आप बोल सकते हैं उर्दू को आगे बढ़ाने का जो अहम योगदान हो जाता है ना, वो सर सैयद अहमद ख़ान को जाता है। अभी हम जितने भी लोग हैं उर्दू को लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, इसका श्रेय आप बोल सकते हैं सर सैयद अहमद ख़ान को जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी 1817 ईस्वी को दिल्ली में। 1817 ईस्वी को दिल्ली में सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए। याद रखिएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 1817। अगर पूछेगा कहाँ हुई, तो ऑप्शन में दिया रहेगा दिल्ली, टिक कर देना है धीरे से, ठीक। और उसके बाद से सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम की बात कर ले, तो इनकी जो तालीम हुई थी ना, ये इनकी माँ से ही मिली थी, मतलब इनकी माँ जो है ना, वालिदा, वो पढ़ाई लिखाई थी। और 1878 में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला था, और जो कि इनका नाम का एक हिस्सा बन गया। सब 1878 से पहले सर सैयद अहमद ख़ान जो है ना, सिर्फ सैयद अहमद ख़ान के नाम से जाने जाते थे, लेकिन 1878 में इनको सर का खिताब मिल गया। अब जब सर का खिताब मिला, तो ये जो सर है, इनका नाम का एक हिस्सा बन गया, मतलब सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से ये पुकारे जाने लगे, और इसी से ये मशहूर व मकबूल हुए, ठीक है? तो याद रखना है कब सर का, ये तो इस बार क्वेश्चन पूछा था 10th क्लास का, जो भी फाइनल एग्ज़ाम हुआ था ना, तो फरवरी में, तो वहाँ पर पूछा गया था कि सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला, ऑप्शन में दिया था 1878। तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो सर का जब जैसे ही खिताब मिला, तो इनका नाम का एक हिस्सा बन गया सर, सर सैयद अहमद ख़ान, और ये सर सैयद अहमद ख़ान से ही मशहूर हो गए। तसानीफ़ की बात कर लें यानी कि क्रिएशन की, मतलब आप बोल सकते हैं ये क्या क्या लिखे, तो इनका दो ही तसानीफ़ दिया गया है, असारिल सनादीद और असबाब बगावत, ये दोनों याद रखिएगा, ये अहम है, ठीक है ना? आप बोल सकते हैं किताब है ये, सर सैयद अहमद ख़ान के द्वारा लिखा गया तसानीफ़, असारिल सनादीद और असबाब बगावत, ठीक। 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में एक इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया, साइंटिफिक सोसाइटी बनाया 1862 में। ये इस बार तो नहीं पूछा था, लेकिन 2-3 बार ये जो है ना क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बहुत बार पूछा गया है, 2-3 बार आप बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगले साल आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ दे। तो याद रखिएगा, 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में एक इंजमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से इन्होंने बनाया था। और 1869, ठीक है, 1869 में ये इंग्लिस्तान चले गए, वापस आकर ये तहजीबुल अखलाक नाम से रिसाला भी जारी किया, तहजीबुल अखलाक नाम से इन्होंने एक पत्रिका भी जारी कर दिया, ठीक है। अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, जो 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, फिर अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। यहाँ पर समझिए, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल खोला। वो स्कूल आगे चलकर 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया और सभी लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ही जानते हैं उस कॉलेज को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन में दिया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा ऑप्शन में दिया रहेगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसको टिक कर देना है, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और यही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में उभर कर सामने आया, ठीक। इनका इंतकाल हो गया था 1878 में तो पैदा ही हुए ना, तो 1898 में सर सैयद अहमद खां का इंतकाल हो गया और इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दफन कर दिया गया, ठीक है। बस इतना ही डिटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया है सर सैयद अहमद खां के बारे में, इतना ही याद रखेंगे काफ़ी है। अब चलिए रया नाम के इस मज़मून को समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़ाहिरन कुछ और बातन कुछ और होते हैं, मतलब कि दिखाते अपने आप को कुछ और ही है और रियल में कुछ और ही होते हैं। स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं, देखिए पहले तो इंसान की एक किस्म की मतलब एक टाइप बताया गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियल में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं, अक्लमंद होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन अपने आप को उतना जतलाते नहीं हैं। वो अपने आप को ये नहीं दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ, ये अपने आप को जतलाते नहीं हैं। तो ये तो एक टाइप हो गया इंसान की। दूसरा टाइप होता है वो इंसान जो रियल में सबसे घटिया इंसान होता है लेकिन अपने आप को लोगों के सामने एकदम ईमानदार बताता है, अपने आप को एकदम ईमानदार दिखलाता है, लगता है कि उसके जैसा सच्चा इंसान, उसके जैसा ईमानदार इंसान, उसके जैसा अच्छा इंसान और कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है ना। लेकिन सबसे गलत काम वही करेगा, रियल में गलत काम, क्राइम वगैरह करेगा, जो भी बुरा काम है करेगा, लेकिन अपने आप को दिखाएगा लोगों के सामने एकदम ईमानदार। ये हो गया दो टाइप। उसके अलावा इन दोनों टाइप के अलावा एक और इंसान होता है, एक और किस्म का इंसान होता है जो इन दोनों टाइप के इंसान से भी खतरनाक वो होता है। और वो पता है वो किस टाइप के इंसान होते हैं? उस इंसान को अगर आप बताएंगे ना कि तुम्हारे में गलती है, तुमने यहाँ पर गलती की है, तो वो अपनी गलती को मानता ही नहीं। सबसे खतरनाक तो यही इंसान होता है जो अपनी गलती को नहीं मानता है। आप प्रूफ भी कर देंगे ना, साबित भी कर देंगे कि भाई तुम्हारे में गलती है, अपनी गलती स्वीकारो, फिर भी वो अपनी गलती को स्वीकारता नहीं है, अपनी गलती को नहीं मानता है। और सबसे खतरनाक इंसान यही होता है जो अपनी गलती को नहीं मानता है, और यही इंसान लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब वो अपनी गलती को स्वीकारेगा ही नहीं, अपनी गलती को मानेगा ही नहीं, तो अपनी गलती को सुधारेगा कैसे? और जब सुधारेगा नहीं तो वो सक्सेस कैसे होगा? तो इस टाइप के जो इंसान होते हैं ना, वो लाइफ में कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो ये तीन टाइप के इंसान के बारे में आप लोगों के बुक में बताया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो रियल में जैसे होते हैं वैसे अपने आप को रियल दिखाते हैं। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हज़रत दाऊद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने खुद अल्लाह ताला से कहा था कि ऐ मेरे खुदा, तू मेरे अंदर इतनी ताकत दे कि मैं अपने दिल पर इख्तियार रख सकूं। मेरे अंदर मुझसे कौन सी गलती हो रही है, मेरे अंदर कौन सी बुराई है, ये सिर्फ तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। मेरे अंदर मतलब मुझसे जाने अनजाने में कौन सी गलती हो जाती है, मुझे खुद नहीं पता है, सिर्फ तू ही जानता है कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है, मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, और इसीलिए तू मेरी हर गलती को माफ़ कर दे, मेरे अंदर की हर बुराई को मिटा दे, मुझे हर बुराई से पाक कर दे, या खुदा मुझसे जो भी गलती हुई है उसे माफ़ कर दे। अब बात आती है कि हम अपनी गलती को कैसे पहचानेंगे, हम अपनी बुराई को कैसे पहचानेंगे, क्या सही है क्या गलत है, पहचान कैसे करेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है और ये गलत है। तो इसके लिए हमारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है, नमूना है। वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किए हैं, जैसे जैसे एक्टिविटी किए हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाकर हम अपनी ज़िंदगी की बुराइयों को कम कर सकते हैं, हम अपने अंदर की बुराइयों को कम कर सकते हैं और सही और गलत में पहचान कर सकते हैं। हमारे जो नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनके पास खुदा का पैगाम आता था और जो भी पैगाम आता था हमारे नबी सभी को बताते थे, और उसी को कुरान शरीफ और हदीस में लिखा गया। तो कुरान शरीफ और हदीस को पढ़कर और हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अमल में लाकर सही और गलत की पहचान कर सकते हैं और हम अपने अंदर की बुराइयों को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम अपने अंदर की कमी को कैसे पहचानें, कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। तो इसके लिए भी आप लोगों के किताब में सोल्यूशन बताया गया है। बताया गया है कि अगर आपको जानना है कि आपके अंदर कौन सी कमी है, तो आप अपने दुश्मनों की बातों पर ध्यान दें कि वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं,
क्योंकि आपके जो दुश्मन होते हैं ना, आपकी कमियों को, आपकी गलतियों को चुन चुन कर रखे होते हैं। इसीलिए आप अपने दुश्मन की बातों पर ध्यान दें, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन सी कमी है, आपके अंदर कौन सी बुराई है, आप कौन सी गलती कर रहे हैं। आपके परिवार वाले आपकी कभी बुराई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं और आप उनसे जुड़े हुए हैं। आपकी हमेशा तारीफ़ ही करेंगे, आपके जो दोस्त हैं वो भी आपकी हमेशा तारीफ़ करेंगे, ठीक है ना, कभी आप में गलती नहीं निकालेंगे। लेकिन जो दुश्मन होते हैं ना, असल मायने में वही आपके दोस्त होते हैं, क्योंकि वो आपकी बुराइयों को, आपकी कमियों को चुन चुन कर रखे होते हैं। अगर आप उनकी बातों पर ध्यान दें तो आप अपनी कमियों को पहचान सकते हैं, अपनी बुराइयों को पहचान सकते हैं। और जब भी अगर आपको अपनी कमियों को पहचानना हो तो दुश्मनों की बात पर ध्यान दें, और वो आपको अपने अंदर कमी पता चल गई तो सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करें कि आपके अंदर वो सच में कमी है कि नहीं। ये नहीं कि बिना ऑब्जर्व किए ही आप उसको ठीक करने में लग गए। आप अपने दुश्मन की बातों पर ध्यान दें, वो आपके बारे में जो भी कमी बता रहा है, अब आपसे डायरेक्ट दुश्मन थोड़ा बताएगा कि हाँ तुम्हारे अंदर ये गलती है, नहीं, वो किसी और से बात कर रहा है, उसकी बातों पर ध्यान दें। इंसान जो है ना, आपके जो दुश्मन होते हैं वो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि आपके अंदर कौन सी कमी है। वो डायरेक्ट आपसे थोड़ा बोलेगा कि हाँ तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, नहीं, किसी दूसरे इंसान से बात करेगा तो आपको कहीं ना कहीं से अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जर्व करें कि मेरे अंदर सच में ये कमी है कि नहीं है, ये बुराई है कि नहीं है। अगर है तो सुधारें, नहीं है तो छोड़िए, है ना। और आजकल के दुश्मन तो और भी ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं, वो जान रहे हैं, अपने दुश्मन की गलतियों को, अपने दुश्मन की कमियों को पहचान कर रख रहे हैं, लेकिन किसी से बता नहीं रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर मैं इन कमियों को बता दूंगा ना तो जो मेरा दुश्मन है वो इन कमियों को सुधार लेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए अब दुश्मन भी डिजिटल होते जा रहे हैं, अपने दुश्मन की कमियों को नहीं बता रहे हैं। डिजिटल इंडिया हो रहा है तो डिजिटल दुश्मन भी होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं, यहाँ पर तो किताब में नहीं लिखा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जिनको पता होता है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर कौन सी गलती है, लेकिन फिर भी वो अपनी कमियों को नहीं सुधारते हैं, अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं। और इस तरह के इंसान कभी भी लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। अगर उनको पता है कि मेरे अंदर हाँ ये कमी है, मेरे अंदर ये गलती है, जब वो सुधार नहीं सकते हैं तो वो सक्सेस कैसे होंगे भला। तो कभी भी अगर आपको पता चले कि हाँ हमारे अंदर ये गलती है, जो भी आपके परिवार वाले आपके अंदर गलती देखते हैं और आपको डांट देते हैं, तो वहाँ पर मुंह फुलाने के बजाय आप तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो आपकी गलती को बता रहे हैं, और तुरंत अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। जो भी आपकी गलती है माफ़ी मांग लो, कमी है उसको सुधार लो। इस तरह हर इंसान को रहना चाहिए। जो भी गलती है, अगर गलती कर दिए तो हमें माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, माफ़ी, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ सॉरी बोलते ही नहीं है, शर्माते हैं कि हम सॉरी बोलेंगे कैसा लगेगा, हम नीचा प्रदर्शित हो जाएंगे, मतलब हमारा जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सॉरी बोलने से कभी भी कोई इंसान नीचे नहीं जाता है, उसका रिस्पेक्ट कम नहीं होता है। अगर गलती है तो माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल लीजिए, इस तरह दिल जो है ना हल्का हो जाता है। और अगर आप सोचिए ना, आप गलती कर दिए और माफ़ी नहीं मांगे तो दिल पर बोझ रहता है कि वो इंसान हमको माफ़ नहीं किया है, अपने आप में खुद इंसान गिल्टी फील करता है। तो उसी वक्त जब भी गलती आपको अपने अंदर महसूस हो कि हाँ मेरे अंदर गलती का अनुभव हो, तो उस वक्त सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, और अगर कोई आपका हेल्प किया तो थैंक यू साथ में लगा रहता है, ठीक है, बोलते रहिए, इसमें कोई बड़ा मतलब और छोटा वाला कोई बात नहीं है, ठीक। तो ये सारी बात है। और इसके अलावा आप लोगों के बुक में बताया गया है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि जो भी इंसान मेरी तारीफ़ करता है ना, जी करता है कि मैं उसके मुंह पर मिट्टी उठाकर फेंक दूँ। मतलब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी तारीफ़ करवाना पसंद नहीं था, उनकी कोई भी तारीफ़ होती थी उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको मन करता था कि मिट्टी उठाकर उसके मुंह पर फेंक दे जो इंसान उनकी तारीफ़ कर रहा हो। तो इसी तरह हर इंसान को होना चाहिए। अब ये पहले का ज़माना था, अभी का ज़माना देखिए, अभी का ज़माना ऐसा हो गया है ना कि अगर इंसान दूसरे इंसान की तारीफ़ कर रहा है ना, तो वो अंदर ही अंदर खुश होगा, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन से नहीं दिखाएगा कि हाँ वो खुश है, लेकिन अंदर अंदर खुशी के बुलबुले फूट रहे होंगे, अंदर से बहुत बेतहाशा खुश होगा कि चलो मेरा तारीफ़ हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब भी तारीफ़ हो तो आप कोशिश करें कि आप जिस वजह से आपकी तारीफ़ हो रही है ना, उसमें आप और इंक्रीजमेंट करें, मतलब आप और बेहतर करने की कोशिश करें। ये नहीं कि तारीफ़ की वजह से आप खुश हो जाएं और बस वहीं तक लिमिटेड रहने दें, मतलब उस खुशी के वजह से, तारीफ़ की वजह से और आगे ना बढ़ पाए, ठीक है ना। एक बार की बात है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट देख, तो इस तरह की ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। हुआ था ये कि एक लड़की थी, वो बचपन से ही दो तीन साल की तो नहीं, 5-7 साल की थी, तो वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल लेती थी,
मतलब बचपन से ही 7 साल की वो जो लड़की थी इंग्लिश बोले थी एकदम पराठेदार। लेकिन हुआ ये कि उसकी गांव में ना बहुत ज़्यादा तारीफें होने लगी कि वाह क्या इंग्लिश बोलती है, पराठेदार इंग्लिश बोलती है, कितना भी बड़ा ब्रिलियंट आदमी खड़ा कर दो उसे इंग्लिश बोल लेगी, ट्रांसलेशन वगैरह बना लेती थी। पूरा पूरा गाँव में शोर मच गया कि वाकई में इंग्लिश बोलती है। अब जो है ना वो लड़की अंदर ही अंदर खुश होने लगी, अपने आप को समझ ले कि वाह मैं तो पराठेदार इंग्लिश बोल ले रही हूँ, एकदम बेझिझक इंग्लिश बोल रही हूँ, मुझे तो ट्रांसलेशन भी बनाने आ जा रहा है। अब वो इंग्लिश पर ध्यान देना कम कर दी। और हुआ ये कि 2-3 साल के बाद उसकी इंग्लिश इतना वीक हो गई ना, इतना कमज़ोर कि वो इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो शुद्ध रूप से नहीं बना पाती है। सोचिए, तो इसीलिए कभी भी आपकी तारीफ होना तो खुश नहीं होइए कि हाँ मेरी तारीफ हो रही है, नहीं तो आपकी जो इंक्रीजमेंट है ना रुक जाएगी। आप कोशिश करें कि आप और बेहतर करें, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी का ज़माना ऐसा हो गया है ना कि इंसान अगर दूसरे इंसान की तारीफ़ कर रहा है तो इंसान खुश हो जा रहा है, लोग खुश हो जा रहे हैं, और अगर उस इंसान की बुराई हो रही है ना तब वो मिट्टी उठाकर मुंह पर फेंक सकता है, लेकिन तारीफ़ होने पर मिट्टी उठाकर मुंह पर नहीं फेंकेगा क्योंकि उसका तारीफ़ हो रहा है। ज़माना कितना बदल गया है, ठीक है। अब देखिए, लास्ट में आप लोगों के बुक में बताया गया है कि जो अक्लमंद बुद्धिमान टाइप के लोग होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर डर रहता है। किस चीज़ का डर? कहीं तो उनके अंदर कोई कमी तो नहीं है, या फिर जो वो बात बोले हैं गलत तो नहीं बोल दिए, या फिर जो काम किए वो गलत, मतलब उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। मतलब कहीं ना कहीं से जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो अक्लमंद लोग होते हैं, उनके अंदर डर रहता है, किसी ना किसी चीज़ का डर बैठा ही रहता है। और ये बुद्धिमान लोगों की पहचान है, ठीक है, कि वो उनको किसी ना किसी चीज़ का डर रहेगा कि हाँ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने ये काम गलत तो नहीं कर दिया, मैंने ये बोलकर गलत तो नहीं कर दिया, या फिर मेरे अंदर ये कमी तो नहीं है। वो अपनी कमियों को लेकर डरे रहते हैं, नहीं तो कोई किसी भी चीज़ को लेकर वो डरे रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो अक्लमंद और बुद्धिमान टाइप के होते हैं। लेकिन जो लोग बेवकूफ़ नासमझ और भोदू टाइप के होते हैं ना, उनके अंदर किसी चीज़ का डर ही नहीं पाया जाता है। मतलब वो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, चलो चलते हैं या फिर चलो ये काम करते हैं, उनको उनके अंदर किसी चीज़ का डर ही नहीं पाया जाता है, टेंशन फ्री रहते हैं। और इस तरह के इंसान नासमझ भोदू टाइप के होते हैं, जो चीज़ों को सोच नहीं सकते हैं और उनके अंदर डर नहीं हो पाता। मतलब देखिए, टेंशन अगर आपको हो रहा है ना तो समझिए कि आप लोगों का माइंड जो है ना ठीक काम कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। अगर टेंशन हो रहा है तो समझिए कि आप लोगों का माइंड ठीक ठाक है, सोच पा रहे हैं आप चीज़ों को। लेकिन जो इंसान को टेंशन नहीं हो रहा है उसको इलाज की ज़रूरत है। उसको टेंशन क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब उसका माइंड जो है ना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है और उसको टेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जो भोदू टाइप के होते हैं, नासमझ टाइप के लोग, उनके अंदर डर पाया ही नहीं जाता है। जो चाहे चलो देखा जाएगा, घर के लोग बोलेंगे, या फिर वो देख लिया जाएगा, जो होगा वो होगा, चलो करते हैं, ठीक है, मतलब निडर करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है ना। तो उस तरह के लोगों का IQ लेवल थोड़ा कम होता है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को बता ही दी। तो यहाँ तक आप लोग सबसे पहले ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। तो फाइनली यहाँ पर हो जाता है 10th क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 7, राया नाम का चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट। मुसनफ़ के बारे में भी सारा डिटेल्स बता दी। अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिख कर बताएं कि हाँ चीज़ें समझ में आई है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, फटाफट लाइक करें, फटाफट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास। क्या आप लोग इस वीडियो को अपने पास ही रखेंगे? बस हो गया, वीडियो खत्म हो गया तो आप बंद करके रख देंगे मोबाइल? जी नहीं, दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।